भाई मेरा भाई। एक बार जोरदार तालियां। फाइटर। मैं नहीं मानता कि कोई हारता है, मैं मानता हूं या तो इंसान जीतता है या फिर जीतता है। कहां पर गलती हुई और क्या सीखने को मिला? गलती यही हुई कि हमारे पास में जो हमारा मेन बॉलर था वो इंजर्ड हो गया और हमें जो पार्ट टाइम बॉलर था हमारा उससे बॉल पे अपना करवाना पड़ा और उसी ने ही सबसे ज्यादा रन खाए। बट दैट्स अ गेम और इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब जो मेरे मेन बॉलर थे वो भी रन खा सकते थे बट उन्होंने बहुत अच्छी बॉल फेंका, जैसे महीर और सौरभ दलाल। बट बंटी ने भी अच्छा किया बट फाइनली बट रन ज्यादा बढ़ गए। बट कोई बात नहीं, देखिए 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, उस ओवर में 25 रन खर्च किए हैं और यही एकमात्र कारण रहा है कि इस मुकाबले में आपको। एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे ही बंटी ओवर फेंकने आया था तो स्टार्टिंग में ही कुछ ज्यादा रन चले गए और वो बहुत ज्यादा नर्वस होके बॉल फेंक रहा था कि कैसे भी बस ये ओवर खत्म हो जाए। तो मेन ये था, उसको अगर वो मैच जीतने के लिए खेलता तो वो रन नहीं देता मुझे ऐसा लगता है। बट फाइनली उसने भी कितना मेहनत करी और अभी तक हम शायद उसकी मेहनत से यहाँ पे आए, उसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका भी। तो यार थैंक यू सो मच बंटी। उनके पास में मुझे ऐसा लगा कि उनके पास में बैटिंग लाइन बहुत अच्छा था, जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़े से स्लोअर वन अपने वाले जो उनके बैट्समैन थे उनको भेजा, बट उन्होंने बाद में अपने जो हिटर्स थे उनको बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने यूज किया। हिमांशु, एक समय जब 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी, क्या लगा आपको कि ये मुकाबला इस तरह से जीत पाएंगे? एक तरफा मुकाबला आपने कर दिया। सर मैच आखिरी बॉल तक रहता है, मैंने पहले भी कहा है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए आखिरी गेंद तक। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? तनय जिन्होंने 43 रनों का योगदान दिया, आप 42 रनों का योगदान किया, आपकी तरफ से क्या कहेंगे तनय के बारे में? प्लेयर है, सबको खिलाया गया, सबने परफॉर्मेंस दी है, उसने थोड़ी बेटर बैटिंग की। थैंक यू।